स्मरण किया है। रविदास कहें, रविदास कहें, किसी जगह पे रविदास की वाणी में हर जगह वही कह रहे हैं रविदास। ब्राह्मण ने कहा इसको ब्राह्मणीकरण करो, रविदास कर दिया। किसी जगह पे ये नाम नहीं है, ये जो आज का दिन उनको समर्पित किया है रविदास। इस देश के पहले बुद्धिजीवी थे, पढ़ा लिखा व्यक्ति बुद्धिजीवी हो ये जरूरी नहीं। बुद्धिजीवी को अंग्रेजी बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। बुद्धिजीवी जिनकी बुद्धि जिंदा है, बहुत से पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि मुर्दा है, वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। अंतर है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लर्नड पर्सन एंड इंटेलेक्चुअल। बुद्धिजीवी का और पढ़े लिखा का क्या अंतर है? रविदास मध्यकाल के संत, भारत के पहले बुद्धिजीवी थे जिनकी बुद्धि जिंदा थी और उन्होंने ये काम शुरुआत किया। पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार ब्राह्मणवाद की परिभाषा देते हैं, कह रहे दास सनोरे संतो। ब्राह्मण के गुण तीन। ब्राह्मणवाद क्या है? पहली बार भारत के इतिहास में मुगल काल में, इसे मध्यकाल बोलते हैं, डिफाइन किया। ब्राह्मणवाद क्या है? क्या कह रहे हैं सुनो रे इतिहास, संतो ब्राह्मण के गुण तीन। उनके तीन गुण है, कौन कौन से? कहवे दास सुनोरे संतो ब्राह्मण के गुण तीन। मान हरे, सबसे पहले वो अपना आपका मान सम्मान गया, कहता मैं ब्राह्मण हूं, ऊंचा हूं, मेरा वर्चस्व है, तुम नीच हो। कहते ब्राह्मण के साथ संगत करोगे आपका मान सम्मान गया। डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म, ये ब्राह्मणवाद की परिभाषा है। कहे दास सुनोरे संतो ब्राह्मण के गुण तीन, मान हरे, आपका मान सम्मान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? एजुकेशन का हक छीन लिया। आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। जो पढ़ता नहीं है, पढ़ाता नहीं है, वो जानवर बनता है और जानवर को लोग डंडे मारते हैं, उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। रविदास जी समझा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद क्या है। कहे दास रोड़े संतो ब्राह्मण के गुण तीन, मान हरे धन हरे। बोल दिया था हमें कोई हक हकूक नहीं है, हम कोई जायदाद नहीं रख सकते। कहे दास सुनोरे संतो ब्राह्मण के गुण तीन, मान हरे धन हरे ले मति सब सीन। आपकी बुद्धि जीरो कर देता है, आपका जन्म का स्तर बना देता है। ये काम सबसे पहले रविदास जी ने किया। क्यों किया? कहते चारण वेदिया खंडौती, मैं ब्राह्मणों के चारों वेदों का खंडन मंडन करता हूं। चार वेद किया खंडौती, कह लेता जनदनौती, मैं उनको प्रणाम करता हूं इन वेदों का जो खंडन मंडन करते हैं। ये मध्यकाल के संत, ये जो कार्यक्रम हुआ जिसकी चर्चा की थी जंतर मंत्र पर, अरे कमाल की बात है कि महज ये गोरखदास के मंदिर का सवाल नहीं है, प्रश्न ये है कि आज लोग उठ रहे हैं, हम इस सिस्टम के विरोध में हैं। ये परिणाम है आज के अंदर आग लगी हुई है, तो इसलिए हमने सबसे प्रथम अपने इस महान योद्धा को, अरे भैया रविदास जी लिटरेरी पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, आज सैकड़ों पीएचडी लोग रविदास के ऊपर कर रहे हैं, आज सैकड़ों पीएचडी लोग अपना वीर साहब के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के पहले बुद्धिजीवी थे जिसकी बार बार रतनलाल जी ने चर्चा की। अब मैं अगर आपको बताऊं कि अभी अभी मैं एक वीक को आया, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गया, मेरे ध्यान था कि हमारे मसीहा 1913 में वहां पहुंचते हैं। मैं क्या बता रहा हूं? बुद्धिजीवी
इसकी बात कर रहा हूं कि तो आज किसे बड़ा कमाल का है, धरती में बाबा साहब जेब में कोई पैसा नहीं, आज हमें कुर्सियों में बैठा दिया, एसी चल रहा है, सामने डॉक्टर बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर 1913 में एक 22 साल का लड़का कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचता है और हमें यहां पर जाता है। उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैं गया देखने के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं सोचा होगा कि 100 साल बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी उस लाइब्रेरी में मेरी मूर्ति लगाएगी, ये बाबा साहब ने कभी सोचा नहीं था। मैं उस लाइब्रेरी में गया, कब किया, अभी हो गया है, बाबा साहब 1913 में एक 22 साल का लड़का। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पुरखे का विजन दृष्टिकोण कितना ऊंचा था। वो लड़का जिसको 11.5 डॉलर पर मंथ वजीफा मिला, स्कॉलरशिप मिला, सयाजी गायकवाड़ ने दिया 11.5 महीने का वजीफा जब मिला, वो उस यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं और मैं सोचता हूं एक लड़का जिसके पास इस वजीफे के अलावा कुछ भी नहीं है, वो वहां बैठ जाते हैं और सबसे पहले वो एमए करते हैं। और एमए का थीसिस क्या है, इंडियन एशियन कॉमर्स, भारत की अर्थव्यवस्था को जानते हैं कि हमारे लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं है, वो थीसिस लिखते हैं एमए का। मैं क्या कर रहा हूं, अकेला व्यक्ति कैसे लड़ा, हाथ में कुछ भी नहीं है, बार बार रतन लाल जी का जोर है इस बात के ऊपर, फिर पीएचडी करते हैं। कितने समय में, 2 फरवरी 1913 को उनका वहां प्रवेश होता है, 15 तक पढ़ते हैं, 3 साल के अंदर एमए और पीएचडी करते हैं। एक वो छोटी मोटी गाड़ी पीएचडी किया और पीएचडी किसने कर दिया, एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। आज तक भी भारत का कोई भी एक नेता उनके लेवल का नहीं है जितने बड़े बाबा साहब अम्बेडकर, कोई नेता नहीं, आज भी एक भी नेता भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के लेवल का नहीं है। अगर उस लेवल का नेता होता तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और भी लोग पढ़े हैं। मैं और वीर सिंह जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे, हम उस लाइब्रेरी में बैठे। मैं क्यों बता रहा हूं, उस लाइब्रेरी में बैठे 3-4 घंटे, मैं उठने लगा, ये उठने लगे तो मैंने कहा बैठ जाओ, कहते क्या बात है, मैं कहते देख रहा हूं कितने बोर्ड ऑफ ऑनर लगे हुए हैं। मैं धीरे धीरे ध्यान से देखा कि सैकड़ों लोगों के नाम थे, मैं ढूंढ रहा था कि मेरा मसीहा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी में पढ़ता था, देखूं तो इसका कहां है। मैंने देखा वहां मोतीलाल नेहरू पढ़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े, लाला लाजपत राय पढ़े, बड़े बड़े 30 बार वहां पढ़े, किसी का नाम वहां नहीं था, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का, मोहम्मद अली जिन्ना का, उस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम था और किसी का नाम ही नहीं है वहां। नारे लगा के कोई चीज नहीं उन्होंने किया। और बाबा साहब के वाक्य में आज सुबह पढ़ रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जब योगेश प्रधानी मेरे पास आए थे, जिसकी जरूरत है हम कि इस देश के अंदर लोकतंत्र, लोगों का तंत्र होना चाहिए पर देश में ब्राह्मणों का तंत्र है, ये क्यों है और इस तंत्र को काटने का शुरुआत किसने किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वाक्य लिखा, क्या लिखा, वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल बैटल, बुद्धि की लड़ाई, बौद्धिक लड़ाई लड़नी है, समझाया कैसे लड़नी है, इंटेलेक्चुअल बैटल हाउएवर कहता फिर भी, ये बौद्धिक लड़ाई फिर भी मस्ट बी सेकंड बाय सॉर्ट ऑफ इंक। आजकल बाल पेन है लोगों को, बच्चों को पता नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि अगर बौद्धिक लड़ाई लड़नी है तो ये स्याही की तलवार से लड़ी जा सकती है, दुनिया में किसी और की से नहीं लड़ सकते। हमारे पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं,
बड़ी कमाल की बात परसों भी बात कर रहे थे प्रोफेसर पतनलाल जी कहते हैं कि दिल्ली के अंदर 2000 शेड्यूल कास्ट टीचर हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के 2000 और कहते हैं मैं से कह रहा हूं वो अपने विषय को भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ते मैं कई बार बोलता हूं अपने विषय को तो पढ़ो समाज का कुछ मत करो अगर दिल्ली के 10% प्रोफेसर मैदान में आ जाए हम इस देश की कायापलट कर सकते 10% 200 व्यक्ति इंटेलेक्चुअल बैटल बौद्धिक लड़ाई लड़नी है तो बौद्धिक लड़ाई से ही काम पूरा होगा लॉर्ड बायरन यंग रोमांटिक पोएट अंग्रेजी का वो क्या कहता है स्याही की एक बूंद पूरे संसार को बदल सकती है वो भी यही बात कर रहे हैं ये यहां का काम है और कोई तरीका नहीं है और दुख की बात है हमारे देश के अंदर हजारों प्रोफेसर हैं लेकिन दे आर एजुकेटेड पीपल दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल एक इंटेलेक्चुअल खड़ा हो बाबा साहब अंबेडकर एक रैदास एक रैदास एक कबीर अरे रैदास उस जमाने में इतनी जुर्म का काम कैसे कर सके कबीर कर सकते थे क्योंकि मुस्लिम थे मुसलमानों का राज है रैदास का करना रैदास की वाणी के अंदर ज्यादा आक्रोश है जुर्म से कह रहे हैं कर्म मंदिर में बनी रही हो फल की ना चलिए वास समझा रहे अपने लोगों को कर्म मंदिर में बनी रही हो फल की ना चलिए वास कर्म मनुष्य का धर्म है सतवासी रैदास मुझे लगा ये गीता को काटा है हमारे खुद के लिखा यदा क्या वो कह रहे कर्माणि एव अधिकारस्ते काम किया कर कर्माणि एव अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन काम किया कर फल की इच्छा कर बनवा में दूर बन वो क्या कहते हैं कर्म मंदिर में बनी रही हो फल की न चली हो वास काम करता है तो जूता मार के अपने पैसे भी ले कर्म मंदिर में बनी रही हो फल की न चली हो वास कर्म मनुष्य का धर्म है सतवासी रैदास तो कर्म करना है फल की इच्छा भी रख अकेले बाबा साहब अंबेडकर उस काफले को आगे बढ़ाते हैं और यहां तक बढ़ाते हैं मूक नायक से लेकर जनता तक ये उनका पर्चा है पहला पर्चा मूक नायक मैं गूंगे लोगों का नेता हूं ये लोग मूके हैं इनकी जबान है परंतु बोलते नहीं है मैं मूके लोगों का नेता हूं 1920 में शुरुआत करते हैं अपनी लड़ाई जनता तक जनता 1927 में उनका पेपर है और वहां से वो राउंड टेबल कांफ्रेंस में पहुंचते हैं और लोकतंत्र को धीरे धीरे बहाल करते हैं ब्राह्मण को दिक्कत होता है ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक व्यक्ति बौद्धिक लड़ाई लड़ता है इंटेलेक्चुअल फाइट करता है भारत के अंदर एक महान परिवर्तन होता है और एक कमाल की बात बार बार देश में कहते रहते हैं भारत के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का आरक्षण लाने की वजह से हमारे पढ़े लिखे लोगों की गिनती ब्राह्मणों से ज्यादा है ये सच है और ज्यादा है फिर भी हम मरे हुए हैं बाबा साहब कह रहे हैं मैंने ऐसी विचारधारा दी है ये विचारधारा मुर्दों को जिंदा कर देती है और आज अगर मुर्दों को जिंदा करने वाली विचारधारा लोग भी मुर्दा बन के बैठेंगे क्या कोई तब्दीली होने वाली है अकेले बाबा साहब अंबेडकर ये तब्दीली लेके आए इसकी वजह से हम विदेशों में गए और विदेशों में लोगों की हालत इतनी खराब है मैं इसलिए बता रहा हूं बाबा साहब एक वाक्य बोलते हैं कास्ट इज ए मॉन्स्टर जाति एक भूत है ये पिशाच है जहां भी जाओगे आपको घेरेगा मेरी लास्ट वाली बेटी पीछे 8-10 महीने न्यूजीलैंड में लगा के आई है मुझे कह रही डैडी जी जहां अपने ससुराल का घर है उनके रिश्तेदार जहां वह रह रही थी कहती मेरे उस मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि मेरा बेटा मुझे बोलता है मम्मा रविदास के गुरुद्वारे मत जाना कहां कह रहा है न्यूजीलैंड में बाबा संबंध कह रहे हैं जात एक
एक भूत है, जहां भी जाओगे आपको घेरेगी। वो न्यूजीलैंड पहुंच गया लड़का, वो चार लोगों के गुरुद्वारे में जा रहा है, डरता है, बोलता है मम्मा अगर कोई पूछे अपने आप को चमार मत कहना। बाबा अंबेडकर ने कहा कास्ट इज ए मॉन्स्टर, इट विल क्रॉस योर वे, ये आपका रास्ता बता देगा, जाति आपका कहीं भी जाओगे रास्ता काटेगी। वो कह रहे हैं कि जात को खत्म कर दिए बिना किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। और क्या कहते हैं, कहते याद रखो जिस दिन जाति खत्म उस दिन ब्राह्मण खत्म, ये याद रखो ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण को खत्म करना है, जाति खत्म करनी होगी। अरे हम तो अपने आप में इस तरह का एहसास कर सकते हैं, अच्छी बात है कि चंद लोगों ने ये शुरुआत कर दी, हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अंदाज करो कि 1925 में आरएसएस बनता है, 25 लड़के बैठते हैं, सबके सब 23 से 25 26 साल से आते हैं, 25 लड़के वो शुरुआत करते हैं, क्या शुरुआत करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये शुरुआत करते हैं। और मैं इसमें एक रेफरेंस करता था, पढ़ रहा था, अभी मैं बताऊंगा कि उनका शासन क्यों है। मैं रेफरेंस पढ़ रहा था कि जब वो शुरुआत करते हैं तो जो हेडक्वार है उसका गुरु बीएस मुंजे है, डॉक्टर बीएस मुंजे हिंदू सभा वाला उनका गुरु है, उनका गुरु 1923 में, क्योंकि वो कहता है मैं जर्मन के हिटलर से, इटली के मुसोलिनी से प्रभावित हूं। 1923 में वो इटली में मुसोलिनी से मिलता है, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं। वो क्यों अल्पतंत्र होते हुए भी, थोड़े से लोग होते हुए भी इस देश के शासक हैं, ये समझाना चाहिए आपको। वो कहता है कि डॉक्टर बी एस मुंजे मेरा गुरु जो है वो मुसोलिनी को मिलता है, और मुसोलिनी को मिलने के बाद कब मिलता है, 1923 को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 को होता है। पीरियड देखो संसार में क्या हो रहा है, 1923 थोड़ा सा युद्ध अभी खत्म हुआ है, वर्ल्ड वॉर, वो जाके मुसोलिनी को मिलता है, कि अभी मुसोलिनी को मारा नहीं गया, मुसोलिनी की हालत जो की वो लग पीछे है, पर बता क्या रहा हूं, मुसोलिनी को मिलता है, भारत में आके कहता है मैं मुसोलिनी को मिलके बहुत प्रभावित हूं, हम भारत में भी ऐसा संगठन विकसित करना चाहते हैं। तो आरएसएस की स्थापना नहीं हुई, 1923 की बात है, और हेडक्वार्टर उनका चेला है, और वो कह रहे हैं जो मुझे बीएस मुंजे ने कहा है, बीएस मुंजे ने कहा है, डॉक्टर बीएस मुंजे ने, मैं भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करूंगा, ये आरएसएस का गोल है। वो जानते हैं कि हमारी आबादी चाहे कम है लेकिन हम ये स्थापित करते रहेंगे। जो अहम बात मैं करने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता हो सकता है किसी को भी ना पता हो जो लेटेस्ट अभी हुआ है, और हो सकता है एक आध आदमी को पता हो। इस वक्त आरएसएस संसार का सबसे बड़ा संगठन है, संसार का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। और जब वो आरएसएस की स्थापना करते हैं, हेडक्वार्टर बोलता है, हेडक्वार्टर से लेकर एमएस गोलवर तक, दूसरा एमएस गोलवर है बंच ऑफ थॉट से लिखा, वो कहते हैं कि हम ये हिंदू राष्ट्र जो बना रहे हैं, ये अकेला हिंदू धर्म भारत में नहीं रहेगा, ये पूरे संसार में जाएगा। अभी मैं रेफरेंस देता हूं, ये कहां से भी लेटेस्ट है, लोग कम पढ़ते हैं, ये भी रेफरेंस दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। वो सोचते हैं, और एक व्यक्ति का ड्यूटी दिया जाता है कि आपने पूरे संसार के अंदर हर जगह जाके आरएसएस बनाना है। 1942 में जगदीश चंद्र शारदा अमृतसर का एक अध्यापक संस्कृत का और हिंदी का, उसे बोलते हैं तो निकल जा, कब 1942
यहां मोहित चल रहा है भारत छोड़ो भारत छोड़ो उसे कहते तू भारत छोड़ पाने के लिए आरएसएस के कई जगह आपने हेडक्वार्टर बनाने हैं और वो छात्र कहता है ये मैं क्यों कह रहा हूं इससे पता चलेगा हम कहां खड़े हैं हमारे पास ऐसे लोग हैं जगदीश चंद्र शारदा कहता है मेरे साथी बोले कि यार हमें अच्छा नहीं लग रहा उसका ड्यूटी लगाया तो कीनिया में जाएगा शारदा क्या कहता है चिंता मत करो मैं कीनिया में जा रहा हूं संसार के किसी कोने में भी जाऊंगा संघ वहां जाएगा मैं संघ की स्थापना करूंगा वो अपनी यात्रा शुरू करता है 1946 में 42 में ड्यूटी लगती है 40 में यात्रा शुरू करता है कहता मैंने जहाज के अंदर समुद्री जहाज के ही अंदर एक निकर पहनने वाला व्यक्ति ढूंढ लिया कार्यकर्ता एक निकर पहनने वाले ढूंढ लिया और 3 साल के अंदर सारा लोग मैंने कीनिया में ढूंढ लिए और जाते ही मैं 1 साल के अंदर सबसे पहले अपना जोर मैच कर लिया और देश के अंदर पहली ब्रांच बनती है कीनिया के अंदर और कीनिया के बाद कहता मैंने यूके में वो काम किया यूके के बाद मैं कनाडा पहुंचा और मैं जो अब बात करना चाहता हूं आज आरएसएस अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनाए जा रहा है मेरे सामने ये सबूत है ये एक लड़की है आज 38 साल की है तुलसी दावर ये देश की राष्ट्रपति की अगली कैंडिडेट होगी ये आरएसएस से ज्यादा इसका ताल्लुक है लिखा हुआ है क्योंकि जब इसकी कैंडिडेट हो रहा था ये तीसरी बार चुनी गई है वहां सेंटर में केंद्र में तीसरी बार चुनी गई है और ये 19 साल की उम्र में ही राजनीति में आ जाती है इसका बाप जो है कैथोलिक चर्च कैथोलिक ईसाई है मां भारत वाली है और इसके अंदर फोटो है कहना मोदी जब जाते हैं मोदी के गले में माला पहनकर लड़की कर रही है और कह रहे हैं तब 2005 में मोदी साहब 2002 का हादसा हुआ मुसलमानों का नरसंहार हुआ जिनोसाइड हुआ अमेरिका ने कहा इसको वीजा नहीं देंगे कहते हैं तुलसी कावर ये लड़की जो है वहां पार्लियामेंट में इस बोली के खिलाफ अपनी अमेरिका सरकार के खिलाफ ये लड़की जो है देशभक्त है क्या कर रहे हो इसका वीजा क्यों कैंसिल कर रहे हो ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन बलजीत कुमार एक वहां का हमारा कार्यकर्ता है मूल वासी कार्यकर्ता है उसने वहां कहा कि ये आप जो कर रहे हैं ये करोड़ों रुपया यहां लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन से लोग इस तुलसी कावड़ को फंड दे रहे हैं राष्ट्रपति बनाने के लिए कि मैं क्यों बता रहा हूं हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं वो विदेश में बैठ के नाम लिखे हुए हैं कैसे कैसे पहुंचे कीनिया पहुंचे इंग्लैंड पहुंचे और अभी अभी जो मैं अहम बात करना चाहता हूं 2017 में कनाडा से वो महान व्यक्ति इनका जगदीश चंद्र जो है आता है तो ये खास बात है ये फोटो है ये फोटो है इनके कार्यकर्ता अमेरिका के अंदर निकर पहन के व्हाइट शर्ट पहनी है हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं संगठन में जी ड्रेस कोड की क्या जरूरत है हमारा वो ड्रेस कोड देख लेगा ना हमारे ऊपर नजर रखेगा सीआईडी हमें पकड़ लेगी मैं हैरान होता हूं मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों की ये हालत है ये स्पेशली बना के फोटो ली है अमेरिका में बैठ के अभी डेथ हुआ है 2017 में डेथ का हो गया है 93 ईयर में एक कार्यकर्ता उठता है ऐसे हालात पैदा करता है आरएसएस के कि आज वो अमेरिका का राष्ट्रपति उस लड़की को तुलसी कावर को बनाना चाहते हैं हमें सोचना होगा कि सच है ये कम होते हुए भी ऐसा काम कर सकते हैं क्योंकि एक उनका एक एक कार्यकर्ता अपना मकसद हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा रहा है पर याद रखिए हमारे कार्यकर्ता भी कम नहीं है उनके पास साधन संसाधन है चाहे हम भूखे नंगे हैं जिनकी कुछ करने की इच्छा है अरे आज से 10 साल पहले हमारे पास साइकिल होती थी
नंगे पांव चलते थे हमारे कार्यकर्ता, आज ऐसे हालात आ गए हैं, आप एसी हॉल में बैठे हुए, ये संघर्ष की वजह से है। याद रखो हमारे पार्लियामेंट के एसी हॉल भी हमारे पास होंगे अगर सवाल करेंगे। चिंतित करना होगा, इस पर सोचना होगा, क्योंकि आज देश के अंदर बाबा साहब कहते थे एक वो शांति होती है जो खुशी वाली होती है। इस वक्त भारत के अंदर देयर इज अ पीस ऑफ ग्रेवयार्ड, आज भारत के अंदर कब्रिस्तान की शांति है। देयर इज अ पीस ऑफ ग्रेवयार्ड, इस शमशान घाट की शांति खतरनाक शांति होती है। ये शांति कोई अंधेरी ला सकती है, तूफान आ सकता है ऐसी शांति से, क्योंकि ये सरकार आपको मुद्दों से हटाना चाहती है। अगर इस देश के अंदर आर्टिकल 370 किसी ने नहीं पढ़ा, माहौल तैयार किया कि देश का बेड़ा गर्क, जम्मू कश्मीर में 370 है इसलिए हो रहा है, 35 है इसलिए हो रहा है, ये मुद्दा नहीं था। वो शासन दुश्मन इतना है कि कम होते हुए भी अगली तैयारी कर रहा है। 370 का हटना का अर्थ ये है कि वो 2024 की अभी तैयारी कर रहा है, वो जानता है सत्ता जाने वाली है इसलिए तैयारी करता है। आपको तैयारी करनी होगी, चिंता मत करो, अब सत्ता जाने वाली, आपकी सत्ता जाएगी, हमारी सत्ता आएगी, ये तैयारी हमें करनी होगी। अल्पजनों का शासन इसलिए है कि हम सस्ताए हुए हैं, पढ़े लिखे लोगों की बहुत गिनती है, सामाजिक काम करते हो पैसा देने वाले कम है, ये चंद योगे हैं। मैं हमेशा कहा जाता हूं हम इस समाज के अंदर चंद पागल पैदा करना चाहते हैं। बोला जाता है जो पा गया उसे पागल कहते हैं। आप देख रहे हैं आज बात कर रहे थे जेपी संदेश हमारे कार्यकर्ता चले गए, और मैं तीन बार बोलता हूं याद रखिए कि जो खून का रिश्ता है वो तो बाई नेचर है, बाई हस्बैंड है, बच्चा हो गया, खून का रिश्ता है वो मेरा बेटा हो मेरी बेटी है, पर याद रखो विचारों का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा होता है। ये विचारों के रिश्ते के हमारे भाई थे, इस समाज के बेटे थे, इस संगठन में थे, उनके दिमाग में बहुत अफसोस होता था। इवन बोलते थे कल्याणी जी मैंने बैंक में जो आदमी बुद्धा में बात कर रहा था खींच दिया झाड़ दिया, जेपी साहब कम करो, लेकिन जिनके अंदर आग होती है याद रखो ये आज समाज के अंदर ये गुस्सा आना जरूरी है। जो बार बार बोल रहे थे कि लोग बोलते डॉक्टर बनाना है इंजीनियर बनाना है, मैं बोलता हूं अगर क्यूबा की हिस्ट्री पढ़ो तो वहां का जो संघर्ष है चे गुवेरा और फिडेल कास्ट्रो ने किया, और वहां पर किसी को पूछे तो अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है, वो कहते आई वांट टू मेक चे गुवेरा, चे गुवेरा क्रांतिकारी बनना चाहिए। याद रखो यहां लोग डरते हैं अगर डॉक्टर अंबेडकर बना दिया घर से चला जाएगा, पर याद रखो डॉक्टर बी आर अंबेडकर बनाओगे घर से चला भी जाएगा। गांधी को लोग इतना याद नहीं करते, बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। ऐसी सरकार होगी आप नहीं सोचते। मैं वहां एक बार गुरुद्वारा में गया, जागरूक के गया, दूसरा गुरुद्वारा था मिशिगन के अंदर, मैंने अल्टीमेटली जागरूक एक सप्ताह बाद मैं सिंह साहब अगले हफ्ते सामने गल कर लेंगे, मुझे पता था मतलब हालत ऐसी है ना, वो देखता है ये तो गंजा गंजा भाई है पगड़ी नहीं है, मैं कहा मुझे लगता है कि मैं बात करूंगा, मुझे तो पता था, मैं कहा मुझे ऐसा लगता है कि सिख धर्म पे बात करूंगा बाकी अलग होगी, और आप ही नहीं बाकी लोग भी हिलेंगे खुश होंगे, हाँ अगले सप्ताह पूछेंगे। मैं वहां की बात कर रहा हूं, लोग अपने आप को छिपा के वहां बैठे हुए हैं, डरते हैं, और वो कह रहा जा रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं उसके बावजूद भी चंद लोग पूरे देश में फूले अंबेडकर की विचारधारा को फैला रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक का शासन चलता ही रहेगा अगर हमने इस पर चिंतन मंथन नहीं किया, क्योंकि जरूरी है इंटेलेक्चुअल बैटल, बहुत लड़ाई जरूरी है,
आपने ये क्यों लिखा? आपको पता है उस दिन 95वें लड़ाई में बच्चे अरेस्ट हुए हैं, हमारे समाज में सौदा हो रहा है, हमारे पास लीगल टीम है, वो कहती है कल्याणी जी, वीर सिंह जी, हमारे पूरा ध्यान है, जो बच्चे पकड़े गए हैं हम उनका ध्यान रखेंगे, हमारे पास लीगल टीम है, लीगल टीम क्या है, रमेश जी एडवोकेट है दिल्ली हाईकोर्ट के, ये पूरी की पूरी टीम ध्यान रख रही है, जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं याद रखो। कहते हैं कि ये जो काम है फूले मेडिकल कमीशन का, यहां आपको धूल धक्के और धूप, जो धूल नहीं सहन कर सकता काम करोगे तो क्या होगा, धूल धक्के धक्के पड़ेंगे, पर मैं देखता हूं फूले मेडिकल का काम करने से आज तक धक्के नहीं पड़ रहे, लोग वेलकम करते हैं, ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, वो कहते हैं आइए हमारे घर में, अच्छा काम करिए, काम करके तो देखो, बाबा साहब अंबेडकर ने जितने धक्के खाए हैं किसी ने नहीं खाए, काशीराम जी बोला करते थे क्योंकि 78 में संगठन बना, 80 में हम उनके साथ देखा हमने, कैंची चप्पल, बाथरूम चप्पल, सिंपल सी पैंट, व्हाइट शर्ट बाहर निकाली हुई, और वो क्या बोलते थे, जब थोड़ा सा मायावती मुख्यमंत्री बनी तो लोग पीछे आगे घूमते थे, क्या कहते थे उनको, आदत ही करेंगे, कहते सॉरी जो पहले उसे तो क्या मारे हैं, तो उन्हें फुआ फुआ के मार रहे, तो लोग खाने को ज्यादा देते थे, कहते पहले मैं भूखा मरा, मिशन का काम करोगे भूखे मरना पड़ेगा, धूल मिलेगी धक्के मिलेंगे, लेकिन काम तो हमें करना होगा, याद रखो ये आसान काम नहीं, मैं डीसी से बोलता रहता हूं, बच्चे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें सोचा कि डैडी को हमने किसी नाम से बना लिया है, जाना नहीं चाहता था इसलिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए, उन्हें सोचा बात करते हैं, तो मैंने बात शुरू कर दिया, मैं कहा काका बच्चों सारा कुछ तो हो गया है, राष्ट्रीय लेवल पे बड़े कट प्रचारक ने इनको कहा, बहुत कम प्रचारक हैं, कृपा करके छोड़ दो, वो इतने सेंट्रल लोग होते हैं, उस समय आज होती, मैं क्या साधारण व्यक्ति तो विदेश में कहीं भी जाएगा वो वापस आना नहीं चाहता, वो हालात के बारे में यहां बैठा व्यक्ति सोच ही नहीं सकता, इतना जबरदस्त बढ़िया हालात है, वहां एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी 5-star होटल में जा सकता है, सिस्टम इतना बढ़िया है, यहां तो कई बार अधिकारी भी नहीं सोच सकता कि मैं वहां जाऊंगा, नॉर्मली सी कार में लोग वापस नहीं जाते, लेकिन हमारा काम, मैंने कहा बात यह है यहां अच्छे वाले लोग हैं, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, वहां करोड़ों लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है, इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि हमें इस देश के अंदर कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और हमने ये दिल्ली में फोकस किया हुआ है कि हम दिल्ली में ही काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि लोकतंत्र खड़ा रहे, और लोकतंत्र को खड़ा करने के जो प्रयास हैं ये डॉक्यूमेंट के अंदर है, और सबसे बड़ा प्रयास उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है ये कुछ करे, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट लेके आया, क्योंकि ये अनंत देव कुंबले की पुस्तक है, लेटेस्ट है, रिपब्लिक ऑफ पास्ट, बढ़िया पुस्तक है, और कमाल किसके अंदर रेफरेंस है, बिब्लियोग्राफ नोट पढ़ो, अनंत देव कुंबले भारत की महान हस्ती है, और अनंत देव कुंबले पुस्तक है रिपब्लिक ऑफ पास्ट, इसमें बताया गया है कि बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत कोशिश किया कि अगर भारत के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो कांग्रेस बीजेपी जिसे जनसन कहते थे ये तो एक टीम है, ये तो ब्राह्मणवाद के पुजारी है, कम्युनिस्ट जब आएगा तो हमारा कुछ बड़ा होगा, इसके उन्होंने प्रयास किया, और लिखा है तो उन्होंने 1936 में आईएलपी पार्टी बनाई, इंडियन लेबर पार्टी बनाई, और उस लेबर पार्टी के अंदर जो मैनिफेस्टो लिखा उन्होंने हर जगह क्लास लिखा, एक बार पास लिखा, जाति एक बार लिखी, वो चाहते थे क्लास यहां आए, लेकिन उसके बावजूद भी कम्युनिस्ट कहते हैं कि जाति जो है सुपरस्ट्रक्चर है,
वो कहता है गलत बोल रहे हो, कास्ट इज ए बेस, ये स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते थे। और उससे मैंने एक खास बात जो पढ़ी कि एक अमेरिका के पत्रकार ने कम्युनिस्ट के ऊपर बाबा साहब का इंटरव्यू लिया, जो बहुत अहम बात है, बाबा साहब अंबेडकर का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आप भारत के कम्युनिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। तो इंटरव्यू है, जनरल सैली हैरिसन जी इंटरव्यू है, कहते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू लिया 1957 को और पूछ रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपका विचार क्या है। ये बहुत अहम है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोकतंत्र का सत्यानाश करने में कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया। और इंटरव्यू कह रहे हैं द कम्युनिस्ट पार्टी वाज ओरिजिनली इन द हैंड्स ऑफ सम ब्राह्मण बॉय। वो पूछ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हाल है, कहना मैं आपको बताऊं ये कुछ ब्राह्मण लड़कों ने कम्युनिस्ट पार्टी को पकड़ा हुआ है। इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते ये पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी वाज ओरिजिनली इन द हैंड्स ऑफ ब्राह्मण बॉय दांगे एंड अदर्स, ऐसे दांगे में थे ब्राह्मण जो है ये उनके हाथों में है और दे हैव बीन ट्राइंग टू विन ओवर द मराठा कम्युनिटी एंड शेड्यूल कास्ट। कहते लगता तो है कुछ करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे बता रहे हैं, क्या मुझे ऐसा लगता है बट दे हैव मेड नो हेडवे इन महाराष्ट्र, कुछ नहीं किया। व्हाई? बिकॉज दे आर मोस्टली ए बंच ऑफ ब्राह्मण बॉय, ये ब्राह्मणों का एक झुंड है कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी नहीं कर सकी। और खास बात इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का लाल झंडा था बाबा साहब अंबेडकर का लाल झंडा, उसमें 15 स्टार थे, तब 15 प्रदेश थे, 15 स्टेट थी, 15 स्टार बाबा साहब अंबेडकर का झंडा लाल। ये मैं क्यों बता रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर वॉन्टेड टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, कम्युनिस्ट साथ देंगे क्योंकि कम्युनिस्ट बाहर से आए हुए लोग हैं, इनके पास पैसा है, साथ देंगे, लोकतंत्र कामयाब होगा। और आगे क्लियर कर रहे हैं, वो कहते मुझे ऐसा लग रहा है द रशियन मेड ए ग्रेट मिस्टेक, रशिया वालों ने बहुत बड़ी गलती की कम्युनिस्ट पार्टी जो है भारत में लाके। और क्या कह रहे हैं, आइदर द रशियन डिड नॉट वांट, कहता मुझे ऐसा लगता है या तो रशिया वाले भारत में कम्युनिस्ट लाना ही नहीं चाहते थे या उन्हें पता ही नहीं था। ये बात मैंने क्यों कही, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि कम्युनिस्ट वालों को मैंने कहा कि कास्ट सुपरस्ट्रक्चर नहीं है। सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है, अगर एक बिल्डिंग बनानी है बिल्डिंग के पहले नींव होती है और नींव के ऊपर एक मंजिल होती है दूसरी मंजिल होती है, वो नीचे ढांचा है उसके ऊपर दो ढांचे हैं। वो कह रहे भारत के अंदर जो जाति है ये देश है, वो कह रहे हैं बार बार भारत के अंदर अगर जाति को मिटाने का आज भी हमने काम नहीं किया, इसलिए हम बोल देते हैं कि पंजाब में मुख्य दो जातियां हैं वो गाली निकालते हैं। अरे सारे चूड़े चमारों में गल डाला हुआ है, अरे वो चूड़ा चमार हमें इकट्ठा करके कहते हैं, इधर चूड़े चमार बिखरे हुए वो गाली निकालते हैं हम इकट्ठा करते हैं। आज जरूरत है याद रखो पहले मुख्य जातियों को इकट्ठा होने की, हम ये शुरुआत कर रहे हैं और अच्छे मकाम आ रहे हैं। और हमने दिल्ली से शुरू क्यों किया, दिल्ली राजधानी है, राजधानी में हर प्रदेश के यहाँ लोग हैं और हम ये जो क्लासेस शुरू की है परिवार की, हम चाहते हैं दिसंबर तक 500 करोड़ पहुंचे। 500 परिवारों में पहुंचते हो तो चिंता मत करो 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि परिवार ईमानदार से चलाता है। और ये जो इशू है लेटेस्ट कि भारत का सुप्रीम कोर्ट मंदिर को गिराता है, अरे मंदिर को नहीं गिराया उन्होंने, उन्हें सोचा मुर्दा लोग क्या करेंगे, और वो हैरान हो गए कि बाबा साहब अंबेडकर की जो लाल है ये जिंदा कौमे है, जिंदा होकर सामने आ गए, उसने कोई छोटा मोटा काम नहीं। बस हमारी चिंता है, खतरनाक चिंता है, जो कह रहे आज तक 2 अप्रैल को भी हम कोई संदेश नहीं दे सके और आज भी नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके, क्योंकि हमारे पास लीडर नहीं है। याद रखिए आज मूल निवासी बहुजनों,
वी आर लीडरलेस कम्युनिटी, हम नेतृत्व में हमारा कोई नेता नहीं है। गलतफहमी मत रहो, और खास बात हमारी चाहत ज्यादातर लोगों की बोलने की रहती है, ओवरऑल क्या हमें बोलना है, और कई बार बोल देखते हैं कि बोलने वालों के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं होता। हम कहते हैं सबसे पहले अगर बोलना है तो बोलना पहले सीखो। बाबा साहब अंबेडकर जहां बोले सबको हिला दिया, राउंड टेबल से बोले हिला के रख दिया। तो ये जो लगातार हम काम कर रहे हैं, मैं देखता हूं जो तैयारी वीर सिंह और यहां की टीम है, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं तो स्पेशली आऊंगा 10 दिन के लिए। ये टीम परिवारों का निर्माण करने के लिए, क्योंकि परिवार का निर्माण होता है तो वाइफ हस्बैंड बच्चे भी साथ आते हैं, हम उनके करियर की बात भी करते हैं, परिवार क्यों बिखर रहे हैं, परिवारों में क्लेश क्यों है। याद रखिए परिवारों के ऊपर ब्राह्मणों ने बहुत काम किया हुआ है, हमने जितने शोध कार्य पढ़े थीसिस पढ़े परिवार के ऊपर ब्राह्मण किए हुए काम, उनके धार्मिक लोगों ने काम किए, बड़े बड़े महान स्कॉलर हैं। हमारे पास अकेले प्रोफेसर नहीं, बुद्धिजीवी लोग चाहिए, और लगभग ज्यादा बुद्धिजीवी उस पढ़ी लिखी कमेंट से पैदा हो सकते हैं। अपवास रूप एक रैदास होता है, अरे गौरव में होता है, कहां मिलता है। एक कबीर साहब होते हैं और एक है, आज बाबा साहब अंबेडकर ने हमें पढ़ने का मौका दिया, जो बंद कर रहे हैं हमारे पढ़ने के दरवाजे बंद कर रहे हैं, मौका मिला है। हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं 2000 प्रोफेसर में से कम 10% प्रोफेसर तो आ जाए, लेकिन मैं देखता हूं पढ़े लिखे व्यक्ति जो है अनपढ़ लोगों से भी ज्यादा अंधविश्वासी है, खतरनाक बात है। कई जगह मैं बोल देता हूं, अरे पहले वो कहते थे कि आप बकरे का मीट नहीं खा सकते, आप घी नहीं खा सकते, पहले वो नहीं खाने देते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें ये पढ़ने लिखने का इजाजत, क्या खाना नहीं खाना आपकी मर्जी है, पहले वो नहीं खाने देते। आज कहते नंबर वन है जी मैं मीट नहीं खाऊंगा, अरे पहले वो नहीं खाने देते थे, अब हमने खाना बंद कर दिया, तो कौन सा खाना खा सकते। ध्यान करके देखो स्वामी विवेकानंद ने कहा था क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं, ये आपकी पसंद या नापसंद का प्रश्न है। हिंदू धर्म रसोई का धर्म है, और रसोई का धर्म कोई धर्म नहीं होता, इसलिए इस तरह के रसोई के धर्म को छोड़ के हमें विवेक बुद्धि पैदा करनी होगी, भावना होनी चाहिए। भावना के साथ अगर विवेक जागेगा तो हमारे अच्छे कार्यकर्ता पैदा होंगे, प्रोफेसर पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है, एक एक कार्यकर्ता में जान की बाजी लगा के कार्यकर्ता बोलते हैं, हम फंड भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, कमाल की बात है कि आज हालात ये हैं कि जहां हम क्लास लेते हैं उन साथियों को बोलते हैं आपके एक परिवार में 100 रुपया देना है, लोग 100 रुपया देते हैं और बात सुनते हैं। अगर आपके अंदर जान है, आपकी वाणी में आकर्षण है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपकी वाणी में आकर्षण है तो लोग आपको सुनेंगे तो तैयार होंगे। और मुझे लगता है कि दिल्ली में ये काम बहुत जल्दी से होगा, नेचर भी है तो एनसीआर में भी होगा। जैसे आप देखते लोग सिक्किम से आए हैं, बंगाल से आए हैं, ये अचानक नहीं आए हैं, ये साथी बहुत बड़े अमीर नहीं है, बड़े आए हैं, 15,000 रुपया खर्च के यहाँ पहुंचे हैं। जरा खड़े हो जाइए, ये जो साथी वहां से आए हैं मैं इनको प्रणाम करता हूँ। ये साथी वहां से आए हैं हम प्रणाम करते हैं, ये बहुत बड़े अमीर नहीं है, सुन लीजिए, ये बहुत बड़े अमीर नहीं है, लेकिन यहां से ये करोड़पति है, ये अरबपति है, ऐसे लोग लोगों के पास पैसे हैं, मन नहीं करता खर्च करने को। देखे कार्यकर्ता आ गया है कहीं खाना ले मांगे, अगर कोई ऐसा बोले कई बार हम समझ जाते हैं, कहते वीर सिंह जी छोड़ दो इससे बात मत करो, हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो ऐसा नहीं करता, हम दाता हैं, देने वाले लोग पैदा करने हैं, जो देने वाले लोग पैदा करते हैं वो फंड भी इकट्ठा करते हैं अपने समाज के लिए, और लोग आजकल तैयार हो रहे हैं। ये परिणाम है हमारे कार्यकर्ताओं का दिन रात काम करने का, और आप लोगों ने ये जितने हमारे प्रबंध करने वाले लोग हैं और स्पेशली साउंड वाला थोड़ा आ जाती कभी जब कभी
लेकिन मैं ये देखता हूं ये गुस्सा कुदरती है लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि अल्टीमेटली ठीक हो गया सारा कुछ ठीक हो गया उनका आभार प्रकट करता हूं ये जो हॉल है और ये अपना जो हॉल हमें मिला है ये प्रबंधकों का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और खुशी की बात है आपने 3.5-4 घंटे दिमाग की खुराक ली है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।